वाली खुश आमदेद कहते हैं आपको। जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं, छोटे अच्छे प्यारे नन्हे मुन्ने, उन सब बच्चों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू थैंक यू। उसने भी वालेकुम सलाम बोला और ये जंप मारने वाला है। मुझे लग रहा है कि किसी भी वक्त ये परफ्यूम पे जंप मार सकता है और ये तोते की कोशिश जारी। तोता नीचे, टेबल ऊपर, लेकिन तोता स्पाइडरमैन की नकल करते हुए स्पाइडरमैन की चाइना कॉपी और ये तालियां बजा दे तोते के लिए। वेरी गुड, वाह वाह वाह। प्यारे बच्चों जी, शाबाश शाबाश। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्यारे बच्चों, ये बताओ कि आज कौन कौन से बच्चे हैं? आप तो बड़ी अच्छी लग रही हैं। डॉक्टर साहब आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सिम भाई आप कैसे? टीम क्यों नहीं जीत रही है? मतलब क्या वजह क्या है, क्यों नहीं जीत रही टीम? अजीम भाई आप हार गए, मैं भी हार गया, आप भी हार। लेकिन आपकी टीम को क्या है, बैड लक हो रहा है या क्या हो रहा है? नहीं, अच्छी जा रही थी। फिर क्या हो गया आखिर में? बस फिर आखिर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। मैं आपको झूले दूं ऐसे करके? नहीं, आप नहीं, मैं आपको अगर ऐसे करके झूले दूं, सोचें कि ये आगे लाके, ओ नहीं नहीं ये तो बहुत ज्यादा ही झूला, नहीं नहीं ये झूला खतरनाक है, बस ये शौक इतने का। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। कुछ करें, कुछ सुने? क्या सुने? पोयम। पोयम कौन सी? आओ बच्चों खेल सिखा। आओ बच्चों खेल सिखाए वाली आती है? उठो बेटा आंखें आती है वो भी? वो तो मुझे भी वो सुनाओ यार। आज पहले पोयम सुनेंगे, जम जम जम। अच्छा अब ये है कि मैं सो रहा हूं और आप मुझे उठा रहे हो, ठीक है? हाँ भाई। आओ बच्चों खेल। ओ भाई बेटा आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो, मुंह धोलो, इतना सोना ठीक नहीं, वक्त का सोना ठीक नहीं है। वो तो कर दो, लिटिल बेबी सो जा। अब्बू पा सो जा, मम्मी पापा आएंगे, चार खिलौने लाएंगे, एक खिलौना टूट गया, वसीम भाई रूट गया। वाह 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 वाह। अगर वसीम भाई आपसे रूट जाएंगे ना, वसीम भाई अगर आपसे नाराज हो जाए तो आप वसीम भाई को कैसे मनाओगे? अब मैं आपसे नाराज हो गया हूँ, ठीक है? अब आप मुझे क्या, हाँ माइक पकड़े क्यों? वो इसलिए कि आप जब फहद भाई के शो में जाते हैं तो वहां तो उनके साथ इतना दोस्त बन के बात करते हैं, मुझसे ऐसे बात नहीं करते, इसलिए मैं आपसे नाराज हूँ। मनाओ तो सही मुझे, कैसे मनाओगे? नहीं मनाएगा मुझे? कोई नहीं मना रहा मैं डॉक्टर साहब, इसलिए नाराज होना ही छोड़ दिया भाई, कोई नहीं मना। बैठे बैठे आए, तालियां बजा दे भाई बहुत सारी। वाह 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 वाह। ठीक है ओके। अभी इन्होंने बताया सो जा, लिटिल बेबी सो जा। एक ऐसा जानवर है जो दिन में 10-10 घंटे सो रहा है कम से कम, और दिन में 12-12 घंटे खाना खा रहा है। जरा बताएं ये कौन सा जानवर है? एक जानवर की जरा तस्वीर दिखाते हैं आपको। जरा जकी अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से भाई। सारे बच्चे, ओ ये तो ज्यादा ब्लर हो गया वैसे बच्चों के लिए थोड़ा। ये कौन सा जानवर है, कुछ समझ में आ रहा है? ये पांडा है। पांडा है? और आपका क्या ख्याल है जकी? कुछ हाँ बताएं बताएं डॉक्टर साहब बताएं। कौन सा? शायद किस किस के ख्याल में, हाथ उठाए, किस किस के ख्याल में ये पांडा है? यू थिंक इट्स पांडा? मुझे नजर आते पांडा ही है। अच्छा एलिफेंट। एलिफेंट, अच्छा। और किन किन के ख्याल में ये एलिफेंट है? एक जकी के ख्याल में। और किन किन के ख्याल में ये बिल्ली है? बिल्ली बिल्ली। ओके अब मैं बोलूंगा 3-2-1 और उसके बाद तस्वीर सामने आएगी, फिर पता चलेगा कि ये क्या है। सब मिलके बोलेंगे 3-2-1। 3-2-1। दिखाओ भाई क्या है ये? पांडा। पांडा निकला है, वाह वाह वाह। पांडा है, पांडा। आपको क्या कह रहे हैं? इसकी आवाज निकालो। इसकी आवाज निकालूं? पांडा की अभी निकालते हैं। आप बोले तो आवाज तो ऐसे निकालते हैं ऐसे। आप बोले 3-2-1।
रेडी हो ना, और मैं निकालूंगा आवाज, सब बोले थ्री टू वन। ये ऐसे निकालता हूँ, कैसी आवाज निकाली बताओ? हाँ ऐसा लगा पांडा भी 16 दिन से नशरियात कर रहा हूँ, उसका भी गला बैठा। हाँ कैसी आवाज निकाली? अच्छी। फिर से निकाल के दिखाऊं? बोले थ्री टू वन। थ्री टू वन। बताओ फिर से निकाल। फिर से आखिरी दफा थ्री टू वन बोले। देखा नहीं था, सॉरी। हाँ थ्री टू वन बोले। थ्री टू वन। बेटा अब पैसे लगेंगे बस। हाँ वो कह रहे 5 रुपए का और करके दिखाएं, बस खत्म। हाँ ये थोड़ी होता है। आप निकाल के दिखाएं। आप निकाल के। हाँ ये पांडा बीमार हो गया, लेकिन ये है पांडा। और ये पांडा जो है ना, खुद से निकाली आवाज है। हाँ फिर ऐसे कर रही, ये खुद निकल रही थी। भाई मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज है ना ये। हाँ। तो ऐसा कैसे होता है कि मैं मुंह हिला रहा हूँ और आवाज मेरी ना हो, ये कैसे हो सकता है? अब जो अभी आप जब कर रहे थे तो डिफरेंट हुई ना आपकी आवाज, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो आवाज कहाँ से आ रही थी फिर, क्या मतलब? वो इसमें से खुद आ रही थी। इसमें से? हाँ। ये कोई असली का पांडा थोड़ी जिसमें से आवाज आएगी। वो वाला नहीं, मगर टीवी से इसमें से आवाज। कमाल है यार। अच्छा लास्ट टाइम मैं करके देख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ मेरी। मैं कुछ जवाब ही नहीं दे रहा सवाल का। हाँ आप थ्री टू वन बोले। थ्री टू वन। ये देखो ये पांडा आ गए मार्केट में चलते हुए आ गए। ये है पांडा। और ये पांडा जो है ना, ये दिन में 10 आवर्स सोता है कम से कम। यानी भाई खरगोश मैं नहीं खेल रहा, यानी कि हम जितना 2 दिन में सो रहे हैं, क्योंकि इसको तो रमजान नशरियात नहीं करनी, इतना ये 1 दिन में सो रहा है। ठीक है भाई। और दिन में 12 घंटे खाना खाता है पांडा, यानी कि हम दिन में जितना भूखा रह रहे हैं उतना ये खा रहा है। तो आप, हम दिन में 12 घंटे भूखे और वो 12 घंटे खाना खाए, क्या ये खुला तिजाद नहीं है? ना खुला तिजाद है ना। हाँ अच्छा भाई ये पहला जवाब तो सही थे। सारे बच्चों के लिए तालियां बजा दें भाई। वाह कोई स्टोरी सुनने का दिल चाह रहा है, फिर अगली बार बताऊंगा। स्टोरी है कोई? कौन सी है स्टोरी? टॉपिक क्या है? अगर कोई हमें बुरा भला कहे तो हमें उसको बुरा नहीं कहना चाहिए, हमें उसे अच्छा कहना चाहिए। स्टोरी सुने सब गौर से, स्टोरी से क्वेश्चन करूंगा। ठीक है हरीम? ठीक है डॉक्टर साहब। उमर अबूबकर हेलो। मेरा और ईशा ने एक ही ड्रेस पहन लिया। अरे मेरा और ईशा हालांकि बहने नहीं है, लेकिन दोनों ने दोनों एक जैसे कपड़े। तालियां बजा दे दोनों के लिए। अब स्टोरी सुने सब गौर से। हाँ जी। आज 15 रमजान है, यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। एक मर्तबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे, सामने से एक बंदा आया और उसके इमाम के बारे में बुरा भला कहने लगा। अच्छा। तो फिर जब इमाम खामोशी से सुनने लगे, जब उस शख्स ने खत्म करी बात, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बोला, अगर तुम भूखे हो तो आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। अगर तुम्हें पहनने के लिए लिबास चाहिए तो आओ, मैं देता हूँ। ये सुनकर वो बंदा हैरान हो गया कि मैं तो इनकी बुराई कर रहा हूँ और ये इमाम हसन तो मेरे लिए चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। इस कहानी का मकसद ये होता है कि अगर कोई आपको बुरा कहे तो आपको उसे अच्छे से जवाब देना चाहिए। वाह वाह सुभान अल्लाह कह दे भाई सब एक बार। वाह। यानी कि अगर कोई हमारे साथ बैड मैनर से भी बात करें तो हमें क्या करना चाहिए? 2 ऑप्शंस। या तो ये कि अगर कोई हमारे साथ बैड मैनर से बात करें तो हमको भी बैड मैनर से बात करनी चाहिए, और या ये कि हमें उसको अच्छे मैनर से बात करनी चाहिए। हमको कहना चाहिए कि ये तो अच्छी बात नहीं है, हमें अपने अम्मी अब्बू को बताना चाहिए कि देखिए ये मुझसे ऐसे बात कर रहा है, उसको मारना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए बैड मैनर्स वाले के साथ? बैड मैनर्स या गुड मैनर्स? गुड मैनर्स। वेरी गुड। सारे बच्चों के लिए तालियां बजा दें भाई। वाह सुना है आप जा रही हैं? नहीं। आप हमें छोड़ के तो नहीं जा रही? नहीं। ये मुझे किसी ने बताया कि आप कराची से जा रही हैं आज? नहीं। प्लीज डोंट गो, आई विल क्राई। नहीं जाएंगे ना? पक्का? हाँ पक्का। हाँ जी। हाँ जी। जब हम हाथ मिलाते हैं सीमदामी। अरे एक में, अच्छा सीमदामी। सीमदामी आप शूज क्यों नहीं पहनते? शूज गंदे होते हैं जब ऊपर आते हैं तो। एक तो खाला जो है ना सीमदामी, आप जब से शॉक पैंट
पहनते हैं ना सॉक्स भी गंदी हो जाती है, बूट पहनते हैं। अच्छा, जब से ये आई है एक इजाफी काम मुझे माइक हाथ में रखना पड़ता है, चूंकि इधर मैं माइक रखता हूँ वो कहती है सीमदामी इससे तो माइक खराब हो जाए, जे जे को माइक कितना नहीं ख्याल देते हैं इनको ख्याल। फिर कह रही आज कह रही है कि जो है वो शूज़ क्यों नहीं पहनते, मैं शूज़ इसलिए नहीं पहनता कि मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, अब यहाँ पे नाथ पढ़ रहे होते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह का नाम कुरान, इसलिए एज अ रिस्पेक्ट मैं शूज नहीं पहनता। यहाँ पे तो पहन सकता हूँ वैसे मैं, इसलिए आप लोगों ने पहने में, लेकिन मैं उधर से आ जाते ना, उधर से आ जाता हूँ। ये बात सही है कि यहाँ पे तो नमाज हो रही है, सर शूज लाओ मेरे भाई, यहाँ पे अभी शूज पहनेंगे हम। अज़ज़त भाई देखो अगर अभी अगर मिल जाएंगे ना शूज तो शूज पहनेंगे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच, व्हाट अ गुड सजेशन, तालियां बजाते भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ठीक हूं। हां, क्या नाम है आपका? ठीक हूं। ठीक हूं किसी का नाम होता है? नहीं। इनका नाम कैसे है ठीक हूं? ऐसे नहीं बोलते, बाद में ठीक बोलते पहले अपना नाम बताते हैं। ऐसे नहीं बोलते, ये खाला ने बताया। और नाम क्या है आपका? मैंने सही सुना नहीं, माय मिस्टेक, है ना? अरे वाह, आमना दानियाल को माइक पेश किया, कुछ सुनाएंगी आमना दानियाल? वेरी गुड, जबरदस्त। आपने इनकलाब देखा कैसे बच्चे, वाह वाह जबरदस्त, सारे बच्चों के लिए तालियां बजा देते वाह भाई, जबरदस्त, वेरी गुड गर्ल्स एंड बॉयज एंड चिल्ड्रन। और बच्चों के टीचर के लिए कौन तालियां बजाएगा? वसीम भाई के लिए तो तालियां बजाए, सीम दामी के लिए। थैंक यू थैंक यू। अभी एक स्टोरी भी सुनाने वाला हूँ बहुत अच्छी। हाँ, क्या सुनाएंगे आप? स्टोरी। कौन सी? ये रैबिट वाली सुनाती, रैबिट वाली सुनाती है। गायने गायने की मम्मा सुनाते हैं तो जब सोती नहीं है। अच्छा, ओके, रैबिट वाली स्टोरी है। हाँ। वो क्या होता है, रैबिट क्या करता है? रैबिट वसीम भाई के पास आता है। सीमदामी इन्हें फिर हाँ बोले तो बताते क्यों नहीं हो? सीमदामी इन्हें फिर हाँ बोला है, इनको बताते क्यों नहीं हो कि हाँ नहीं बोलते, जी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी बोलते। अब आपने हाँ जी क्यों बोला? हाँ जी बोलते है ना, कल भी बताया था, हाँ जी बोलते हैं। तो अभी तो आप कह रही है कि हाँ बोलते हैं, हाँ नहीं बोलते, जी बोलते हैं, अब हाँ जी बोल रही है। हाँ जी बोल के तीती दफा बताऊं मैं। ओह सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। तालियां बजा दे भाई सारे बच्चों के लिए तालियां। मेरी स्टोरी कौन सुनेगा जल्दी से? एक स्टोरी। ए अरे आ गया हमारा दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी दोस्ती के आसार पीछे कत्ती हो रही हो पहले से, थोड़े से मैं से डरता हूँ। हाँ जी। अरे मैं नहीं डरता इससे, मैं इसको भी उठाऊंगा अपने इसमें। आ जाओ भाई आ जाओ, कोई हंगामी सूरत हाल हो तो जरा। इसने कल के चक्की काटी थी बेटा, शुएब कुछ हुआ ना कर तो देख। आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ ना। असीम भाई डर रहा है आपसे। गर्दन आप उठाए तो मुझे कैसे क्यों बता रहे हो फिर? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमारे मुजाकरात कामयाब हो गए, मैंने तोते पे एतमाद का इजहार कर दिया है फाइनली। इससे पहले कि ये कुछ करे मुझे तंग करे, उतर अभी उतरेगा कैसे, चढ़ तो गया है, कहाँ रखूं उतर जाओ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। हम नहीं डरते वरते भाई, ये तो बाएं हाथ का खेल है, ऐसे उठाते हैं तो। अरे नहीं भाई, अरे खरगोश को मार रहे, खरगोश नीचे रख दो। हाँ हाँ ओके सही। आ जाई थी बहुत ही मार खा जाए। अब नहीं मारेगा, अब नहीं मारेगा, अब दोस्ती हो गई हमारी, सबसे अच्छी दोस्ती हो गई। ठीक है भाई, हमको वैसे भी आपस में सबको दोस्ती करके रहना चाहिए, है ना? ये बात तो है। मैं आपको आज एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, जरा एक पिक्चर, पहाड़ की बेटा एक पिक्चर देखें जरा सब, फिर आपको एक चीज बताता हूँ। हाँ जी, आज हम लोग खाना देंगे। क्या करेंगे? खाना देंगे। खाना अगर है तो जरा दे दो यार, हम दे देंगे अगर दाना पानी हो। अच्छा, सबसे पहले वो जबले नूर दिखाया करो, पहाड़ की पिक्चर अगर दिखाएं। भाई हरीम और क्या अमारा, नहीं नहीं आमना दानिया, सॉरी आमना दानिया, आमरा आमरा आमना, सही नाम लिया मैंने, आमना दानियाल। ओके भाई, आमना और सब मिलके देखें, एक पिक्चर आएगी अभी, जरा सब गौर से देखें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सी पिक्चर है, ये किस पहाड़ की पिक्चर है। दिखा सकते हैं हमें?
चले कोई सी भी दिखा दो, उस टॉपिक की कोई सी पिक्चर दिखा दो, नो प्रॉब्लम। हाँ ये है एक पहाड़, क्या है ये पहाड़? एक पहाड़। पहाड़ को क्या कहते हैं? माउंटेन। यस। इस पहाड़ का नाम है जबले नूर। अरबी में ना पहाड़ जबल यानी पहाड़, तो अगर डिफिकल्ट हो गया तो छोड़ दें। ये है इस पहाड़ के अंदर एक गार है, ये पहाड़ है सऊदी अरब में, इस पहाड़ के अंदर एक गार है और उस ये दिख रहे पहाड़, यानी आप समझ लें कि जब बड़ा सा एक माउंटेन होता है ना, इतना बड़ा माउंटेन है, इतना बड़ा माउंटेन के अंदर एक रूम है, आप रूम समझ लें, उसको कहते हैं गार। क्या कोई बच्चा मुझे पढ़ के बता सकता है कि ये क्या लिखा हुआ है? गारे हीरा। जोर से बोल रहे हैं, क्या बात है भाई, आप लोगों को तो आता है। ये है गारे हीरा, ये बड़ा सा माउंटेन है, उसके बड़ा सा उसके अंदर एक गार है। ये देखिए अंदर की तस्वीर, गारे हीरा। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह ताला को अपना मैसेज भेजना होता था ना, तो फरिश्ता मैसेज भेजता था। कौन से फरिश्ते सबसे ज्यादा आते थे अल्लाह मियाँ के पास? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। वो सारे फरिश्तों के हेड थे ना, तो जब सबसे पहली वही आई ना रसूल अल्लाह पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इस जगह पे आई थी गारे हिरा पे। तो अब खाली एक बात याद रख लें, फिर हम दोबारा फन करेंगे कि रसूल अल्लाह पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहली वही किस जगह पे आई थी? इस जगह पे। और इस जगह का नाम क्या है? गारे हिरा। क्या नाम है? गारे हिरा। क्या नाम है? गारे हिरा। वेरी गुड भाई, जबरदस्त, क्या बात है, बहुत अच्छे भाई। जरा गारे हिरा की कुछ वीडियो दिखाऊं आपको? गारे हिरा की वीडियो दिखाएं जरा, जब लोग जा रहे होते हैं। ये देखिए, ये सऊदी अरब में ना लोग इस तरह जा रहे हैं पहाड़ की तरफ, पहाड़ जबले नूर है, उसके अंदर एक घार है। तो जब भी लोग सऊदी अरब जाते हैं तो उस पहाड़ पे भी जाते हैं। आप साथ साथ ये वीडियो भी दिखाते रहें भाई। आमना दानियाल साहिबा, हाथ धोती है खाना खाने से पहले? बहुत ज़रूरी है ना, अगर हम हैंड्स वॉश नहीं करेंगे तो हमारे हैंड में जर्म्स भी लग सकते हैं। डेटॉल से हाथ धोने चाहिए। आ जाए अबू बकर साहब, ज़रा हेल्प करें। अबू बकर साहब मुआवन खसूसी, आ जाए इधर, आ जाए आप, ज़रा डेटॉल से हाथ धोएं, उसके बाद बाकी बच्चों को धोने हो तो वो भी धो सकते हैं। जरा आप इनको खोल दीजिएगा, टैप खोल दीजिएगा और वो देगा। ये देखें, ये है गारे हिरा की अंदर की पिक्चर्स, है ना, ये गारे हिरा की अंदर की पिक्चर्स हैं। तो अगर हम सऊदी अरब जाएंगे तो हम भी इंशाल्लाह यहाँ पे जाएंगे। सब मैं एक दुआ कहता हूँ, सब इलाहे आमीन कह देना कि अल्लाह ताला हम सबको खाने काबा की ज़ियारत नसीब फरमाए। इलाहे आमीन। क्या बात है, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्लाह का करम। आपने कल नाती नहीं सुनी? चलो भाई अभी याद पढ़ते हैं, ब्रेक से पहले नात पढ़ते हैं। हाथ धोएं, हाथ धोएं, सब हाथ धोएं, जितने बच्चों को हाथ धोने ये, हाँ अभी इसको वॉश करें ऐसे, वेरी गुड। पहले आमना धो लेंगे, आप भी धोएं, क्योंकि हाथ धोना तो अच्छी बात है, सारे बच्चे हाथ धोएंगे। गुड जॉब हैं, गुड जॉब, अपना माइक सही रखते हैं, गुड जॉब। नए बच्चे कौन कौन से हैं? अरे आमना आए हैं, आमना को डॉक्टर साहब की तरफ से पीछे तो देखो परफ्यूम का गिफ्ट देंगे, तालियां बजा दें आमना के लिए बहुत सारी। और कौन आया है? जकी अब्बास साहब आए हैं अपने ही खानदान, अब जकी अब्बास साहब के लिए ये गिफ्ट आपके लिए, तालियां बजा दें भाई बहुत सारी, वाह 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 वाह, जबरदस्त। कौन सी नाद सुने डॉक्टर साहब, को आइडिया दें कौन सी, आप कौन सी नाद आपके पास? हस्बी रब्बी। हस्बी रब्बी, वैसे दाना कहें, और दाना भी देते हैं ना साथ, आप वहीं पे नाद पढ़ते हैं और ख़त्म करते हैं। कहाँ है? यहाँ, ये दाना है, अच्छा ओके वाह ऑल राइट। चलो भाई किस किस बच्चे को दाना देना है, आ जाओ भाई आ जाओ। डॉक्टर साहब मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ, आप उमर को दें और अबू बकर को दें, बाकी मैं सारे बच्चों को देता हूँ जी। बेटा ये खाने का नहीं है, ये देने का है, पता है ना सारे बच्चों को। हाँ सब मछलियों को दाना डालेंगे और अल्लाह अल्लाह कहते हुए जाएंगे ब्रेक पे। ओ भाई मार क्यों रहे हो, पत्थर थोड़े पथराव कर रहे, दाना देने के बजाय पथराव। ये देखें ये, वाह 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 वाह, लो भाई लो दाना दो भाई। ओके मैं लाता हूँ फोन, आप लोग दे दाना, ये पकड़ो भाई, ताकि हम तस्वीर खींचेंगे ना, तस्वीर तो खींचेंगे लेकिन पोस्ट नहीं करेंगे भाई। हाँ अरे भाई ओके भाई, थोड़ा सा ये ना हो कि बच्चा अंदर ही चला जाए, थोड़ा कॉर्नर इधर देख लो भाई सारे बच्चे, अरे यहाँ तो देख लो, हाँ सारे बच्चे मुड़के यहाँ देखेंगे, 3 2 1 एक तो ऑफ, 3 2 1 से मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद।
रहमतों और बरकतों के इस महीने में बांटिए खुशियां अपनों के साथ। सहूलत बाजार लाया रमजान स्पेशल डील्स, इफ्तार डील्स, इफ्तार वाउचर्स और बेशुमार गिफ्ट्स। ऑर्डर करने के लिए अभी लॉग ऑन कीजिए www.sahulatbazaar.com पे और मजीद मालूमात के लिए +92322733574 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।